अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन कॉर्न सूप। जिसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे चिकन स्टॉक। उसके लिए मैंने पहले एक तेज़की ली है, उसमें मैंने पानी डाला है। फिर अब इसमें मैंने ये चिकन की हड्डियां हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं, ये मैंने बाजार से ली है। किसी भी आप बड़ी चिकन वाली शॉप से पता करेंगे आपको इजीली मिल जाएंगी। फिर ये देखिए मेरे पास गाजर है, हाफ गाजर है। आप चाहे रेड वाली यूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑरेंज वाली, चाइनीज़ गाजर। मैंने यहाँ पे चाइनीज़ गाजर यूज़ की है। फिर ये मैंने एक प्याज ली है, उसको दरमियान से कट लगा लिया है, दो हिस्सों में काट लिया प्याज को। और ये लहसुन के 4 से 5 जवेले लेने हैं आपने। और साबत काली मिर्च ले लेनी है, 8 से 10 दाने। इन सब चीज़ों को एक तेज़की में डाल के हमने नीचे फुल तेज़ चूल्हा कर दिया, ताकि इसको जल्दी से बॉयल आ जाए। ये देखिए इसे बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसे आधा पौना घंटा लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि हमारी यखनी अच्छे से निकल जाए। ये देखिए हमने चिकन स्टॉक को घंटा पका लिया। अब उसके बाद ये देखें कितनी, मतलब कि ये हो गई है सही। प्याज भी अलग, मतलब जो हम लोगों ने पूरा डाला था वो अलग अलग हो गया। ये देखें लहसुन भी हमारा हो गया है। अब ये हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। चिकन स्टॉक को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने सॉस पैन लिया है, उसके अंदर पानी डाला है। और अब ये मकई है मेरे पास, ये मैंने कच्ची ली थी, इसको मैं बॉयल करूँगी। इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 बॉयल करवाएंगे हम लोग, और फिर इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। को बताया था कि यखनी को हम लोगों ने स्टेन कर लेना है। ये देखें स्टेन करने के बाद ये ऐसी हो गई है, इसका कलर देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह। ठीक है, इसका हम लोगों ने स्टेन कर लिया था। इसको स्टेन करने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें और पानी डाल सकते हैं, जितना आपने सूप बनाना हो उसमें उतना पानी डाल लें। ठीक है, पानी डाल के अब हम इसको बॉयल आने देंगे। ये देखें इसे बॉयल आना शुरू हो गई है। अब हम लोगों ने ये चिकन क्यूब्स में कटा हुआ लिया है, ये देखें। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। चिकन बोनलेस था मेरे पास क्यूब्स में कटा हुआ, ये देखें, इसको इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही ये जो मकई मैंने ली थी, जिसे मैंने बॉयल करवाया था और बाद में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, वो भी इसके साथ ही डाल देंगे। देखें फ्लेम आपने फुल रखना है। ये देखें इसे बॉयल आ रहे हैं। अब हम इसमें चीरे डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले काली मिर्च डालनी है, काली मिर्च मैंने थोड़ी ही डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अब हम इसमें नमक डालेंगे। ये देखें इसे इस तरह फुल अच्छे तरीके से बॉयल आने देने हैं। जब इस तरह बॉयल आए फिर आप फ्लेम थोड़ा लो कर दें।
अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सिरका डालूंगी। अब मैं इसमें ये देखें 1 टेबल स्पून सिरका डालूंगी। दो टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस के डालूंगी। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो रहने दें। और इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून चीनी के डाले हैं। अब इसको 2-4 मिनट पकने दें। ये देखिए मैंने 3-4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के लिए है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालना है ताकि अगर आप एक साथ पानी ज़्यादा डालेंगे तो लम्स बन सकते हैं, इसमें लम्स ना बने, घुटली ना बने कोई। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर ली है। ये देखिए कोई मेरी लम्स घुटली नहीं है इसमें। ये देखिए इसको बॉयल आ रहे हैं। अब आपने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था इसमें डालना है। एक हाथ से आपने इस तरह चमचा चलाते जाना है, दूसरे हाथ से आपने बिल्कुल बारीक सी तार बना के इसमें कॉर्नफ्लोर की डालनी है। कॉर्नफ्लोर की बिल्कुल बारीक सी तार बना के आपने डालनी है और उसको अच्छे से 2-3 बॉयल आने दें ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर पक जाए। ये देखें आफ्टर 3 से 4 बॉयल करवाने के बाद ये इतना गहरा गहरा कितना प्यारा सा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अंडा। मैंने एक सिंपल अंडा लिया है, उसको बीट कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से उसको बीट करने के बाद मैं इसमें डालूंगी। इसका भी आपने वही प्रोसीजर करना है, एक हाथ से चमचा और एक हाथ से अंडा बारीक बारीक सा डालते जाना है। देखिए हमारा अंडा अच्छे से पक गया। अब हम लोग इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे। सूप हमारा रेडी है। ये देखिए इसे हमने बाउल में निकाल दिया। अब हम इसके ऊपर ग्रीन ऑनियन की गार्निश करेंगे।